हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल विशिला मैम। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, इस वीडियो में आज पूरा क्लियर कर देने वाले हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते क्या है और इन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, किस तरह से सेंटेंस में ये कंजक्शन लगे होते हैं। चलिए इसमें हम पूरा देखते हैं कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किस तरह से यूज़ किया जाएगा किसी भी सेंटेंस में। तो अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। विदाउट एनी डिले चलिए देखते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते क्या हैं, उनका क्या मीनिंग है और उनके क्या डेफिनेशन है। चलिए इस वीडियो में हम पूरा क्लियर कर देते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होंगे और वो किस तरह से किसी भी सेंटेंस में यूज़ किए जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इसका मीनिंग क्या है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एक दूसरे पर आश्रित रहने वाले उपवाक्य हैं, इन्हें कहते हैं हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, डेफिनेशन क्या है, चलिए उसको भी देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड और फ्रेज दैट इंट्रोड्यूसेस ए डिपेंडेंट क्लॉज एंड ज्वाइन इट टू ए मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो क्या करता है, इज अ कनेक्टिंग वर्ड, एक कनेक्टिंग वर्ड है और फ्रेज दैट इंट्रोड्यूस ए डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि क्या करता है, इंट्रोड्यूस करवाता है किससे, डिपेंडेंट क्लॉज को, एंड ज्वाइन करता है, क्या करता है, ज्वाइन इट टू मेन क्लॉज, और ये मेन क्लॉज से क्या करता है, ज्वाइन करता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज को, यानी किससे किससे ज्वाइन करता है, एक मेन क्लॉज से और इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या करता है, ये ज्वाइन करने का काम करता है, कौन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है और किस तरह से वो सेंटेंस में आएंगे। जैसे आप, हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है कि ही केम बैक व्हेन द मीटिंग वाज ओवर, वह वापस आया जब मीटिंग समाप्त हो गई। तो जब मीटिंग समाप्त हो गई जो वर्ड आया व्हेन, ये व्हेन जो वर्ड आया है ये क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डोंट कम टिल आई कॉल यू, मत, यहाँ मत आना, डोंट कम, मत आना जब तक मैं कॉल ना करूँ, यानी जब तक मैं कॉल ना करूँ यहाँ मत आना, सॉरी, जब तक मैं कॉल ना करूं मत आना। ओके, तो यहाँ पे जब तक के लिए क्या यूज़ हुआ, टेल यूज हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड नंबर में, टेल मी वेयर दे आर, मुझे बताओ, टेल मी मुझे बताओ वेयर दे आर, कि वे कहाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, दो क्लॉज हुआ है, दो क्लॉज है इसमें, और दो क्लॉज को जोड़ कौन कौन रहा है, यहाँ पर हमारा वैन से जुड़ रहा है सेंटेंस, जो क्लॉज है फर्स्ट क्लॉज या यहाँ पे सेकंड क्लॉज दिया है, और ये क्या कर रहा है, जो जोड़ रहा है, यानी ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन द मीटिंग वाज ओवर, तो जो व्हेन वर्ड से जो ज्वाइन किया, द मीटिंग वाज ओवर, मीटिंग खत्म हुई, यानी मीटिंग खत्म हुई तो क्या हुआ, ही केम बैक। तो ये जो है ना, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये क्या कर रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंड करता है इस क्लॉज पर। तो ये दोनों क्लॉज क्या होता है, दोनों को जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है, व्हेन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि डोंट कम, मत आना, टिल आई कॉल यू, जब तक मैं ना बुलाऊं। ठीक है, जब तक मैं ना बुलाऊं मत आना, तो यहाँ पर क्या कर रहा, आई कॉल यू मतलब मैं जब तक ना बुलाऊं तुम यहाँ मत आना, ऐसा हो रहा है। ठीक है, टेल मी वेयर दे आर, मुझे बताओ कि वे कहाँ हैं, वेयर दे आर मतलब वे कहाँ हैं, तो वे कहाँ हैं, वेयर वे कहाँ हैं, टेल मी, तो टेल मी क्या कर रहा है, एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इंडिपेंडेंट क्लॉज को, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज किस पे है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो फ्रेज है, सॉरी, दो क्लॉज है और दोनों क्लॉज को जोड़ने वाला जो वर्ड है वही कंजक्शन है। तो यहाँ पर फर्स्ट में कौन है, वेयर है, सेकंड में टिल है और थर्ड नंबर में वेयर, ये क्या कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। कंजक्शन क्या करता है, दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, इनमें निम्नलिखित बातों को दर्शाते हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बताते हैं, किसको किसको बताता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, टाइम बताएगा, प्लेस को बताएगा, कॉज को बताएगा, पर्पस, कंपैरिजन, कॉन्ट्रेस्ट, रिजल्ट, कंडीशन, मैनर, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, बताता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। टाइम में कौन कौन से वर्ड आते हैं, टाइम में व्हेन, आफ्टर, एज सून एज, बिफोर, नो सूनर, देन, टिल, अनटिल। ओके, प्लेस में होगा वेयर, वेयर, इवर। नेक्स्ट है कॉज, कॉज में कौन सा हो जाएगा, कॉज मतलब कारण बताने वाला, बिकॉज, एज, सिंस, ये सब क्या हो जाएंगे, कॉज को बताने का काम करते हैं। पर्पस, पर्पस मीन्स होता है उद्देश्य, उद्देश्य बताने वाले जो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन कौन से आएंगे, दैट,
सो दैट लिस्ट, ओके, कंपैरिजन बताने वाला जो कंजक्शन होता है जो कंपेयर करता है, कंपैरिजन में क्या होगा, एज, उसके बाद क्या हो जाएगा, सो एज देन, ओके। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेस्ट बताने वाला, कॉन्ट्रेस्ट बताने वाला कौन कौन से कंजक्शन है, दो, ऑल दो, इवन, इफ, हाउ एवर, ओके। नेक्स्ट है रिजल्ट, रिजल्ट बताने वाले जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है कौन से है, दैट, सो, इससे क्या बताता है, रिजल्ट यानी किसी परिणाम को बताता है, दैट और सो इसमें आएंगे। नेक्स्ट है कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है शर्त बताता है। अब शर्त में कौन कौन से वर्ड आएंगे जो कंजक्शन में यूज होंगे, इफ, अनलेस, इन केस, ओके। मैनर, मैनर में कौन कौन से कंजक्शन होंगे, एज, एज इफ, एज फॉर एज, सो फॉर एज। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है में कौन कौन से कंजक्शन आएंगे और वो किस किस को शो करेंगे, यानी टाइम, प्लेस, कॉज, पर्पस, कंपैरिजन, कॉन्ट्रेस्ट, रिजल्ट, कंडीशन, मैनर, इन सभी चीज़ों को क्या करेगा, वो बताएगा, जो भी कंजक्शन होगा किसी भी सेंटेंस में ये सारी चीज़ों को शो करेगा। तो इस तरह से हमने देखे कि कंजक्शन क्या होते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, किस तरह से इनको सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा। अब जो हम क्या करेंगे, जो प्लेस है, टाइम है, जो भी कंजक्शन इसमें आएंगे, एक एक करके हम इस, अब जो भी होगा किस तरह से सेंटेंस में आएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा कवर करने वाले हैं। तो अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।